स्पेशल एजुकेशन क्या चीज होती है, उनके स्पेशल एजुकेशन से स्पेशल जो चाइल्ड है वो जहन में आते हैं? इसमें फिजिकल भी आ जाता है, फिजिकल हैंडीकैप है वो, या वो मेंटली रिटार्डेड है लाइक, और स्लो लर्नर आ जाते हैं विद लर्निंग डिसेबिलिटीज है, जिनकी मेमोरी बूस्टअप नहीं हो पाती है, ये सब कैटेगरीज इसमें आ जाती हैं। इम्पेयर्ड जो चाइल्ड होगा उसको डिफरेंट वेज में असिस्ट किया जाएगा, जो मेंटली रिटार्डेड है ऑब्वियसली उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए, और उनकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होंगे। सिर्फ इसमें बच्चे ही आते हैं या किस एज तक आप लोग जो है सर्विस प्रोवाइड? नहीं, इसमें सिर्फ बच्चे नहीं होते हैं, इसमें डिफरेंट एज के चाइल्ड और एडल्ट भी होते हैं इसमें। लेकिन बेसिकली ये होता है कि जितनी हम अर्ली डिटेक्ट कर लें वो उतना ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए, कि अगर जितना छोटा बच्चा होगा उसको हम उतनी जल्दी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, उनकी उसकी जो वीकनेसेस हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है हम उसको फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान अरुज मलिक, आप देख रहे हैं टीवी टुडे। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वह स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, किन लोगों को ये सर्विसेज दी जाती हैं, वो कौन से, क्या सिर्फ उसमें कैटेगरी में बच्चे ही आते हैं, या किस एज तक ये जो चीज़ें हैं साथ साथ चलती हैं, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फिजा बशीर। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या एक्सपर्टीज हैं, वो किस तरह से इस तरह के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं और किन लोगों को स्पेशल एजुकेशन जो है वो दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशल एजुकेशन क्या चीज होती है, उनके स्पेशल एजुकेशन से स्पेशल जो चाइल्ड है वो जहन में आते हैं, तो इन लोगों को स्पेशल एजुकेशन दी जाती है? स्पेशल एजुकेशन बेसिकली एक ऐसे सर्विस है जो हम स्पेशल नीड चाइल्ड्स होते हैं, चाइल्ड्स जो डिफरेंट हैं हमारी सोसाइटी में, हम उनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो डिसेबल भी हैं और डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर चाइल्ड। डिसेबल से आप क्या मतलब? लाइक फिजिकल, इसमें फिजिकल भी आ जाता है, फिजिकल हैंडीकैप है वो, या वो मेंटली रिटार्डेड है लाइक, और स्लो लर्नर आ जाते हैं विद लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिनकी मेमोरी बूस्टअप नहीं हो पाती है, ये सब कैटेगरीज इसमें आ जाती हैं। उन ब्लाइंड भी आते हैं आपके पास? बिल्कुल, इसमें ब्लाइंड भी आ जाते हैं, उनको हम के लिए स्पेशल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, लाइक उनकी ब्रेल स्टडी होती है, ब्रेल होती है, उनकी बुक्स डिफरेंट होती हैं और उनके थ्रू, यस, उन पर वो फील करते हैं और उसके थ्रू उनको सर्विस दी जाती है। इसी तरह हेयरिंग इम्पेयर्ड जो चाइल्ड होगा उसको डिफरेंट वेज में असिस्ट किया जाएगा, जो मेंटली रिटार्डेड है ऑब्वियसली उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए, और उनकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होंगे, इसमें सब कैटेगरीज आ जाती हैं और उन सबको अलग अलग तरह से हम डील कर सकते हैं। इसमें कामयाबी की रेशियो क्या है कि कितने बच्चे जो है वो परफेक्टली परफॉर्म कर जाते हैं? इसमें ये है कि ये चाइल्ड 100% तो बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं हो सकते, लेकिन इनकी लाइफ को बेटर किया जा सकता है। हमारा बेसिक टास्क यही होता है कि इनको इस एबल किया जाए कि ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकें हमारी सोसाइटी के अंदर, सो उनको सेल्फ हेल्प स्किल्स के पे ज़्यादा वर्क करते हैं। सिर्फ इसमें बच्चे ही आते हैं या किस एज तक आप लोग जो है सर्विस प्रोवाइड? नहीं, इसमें सिर्फ बच्चे नहीं होते हैं, इसमें डिफरेंट एज के चाइल्ड और एडल्ट भी होते हैं इसमें। लेकिन बेसिकली ये होता है कि जितनी हम अर्ली डिटेक्ट कर लें वो उतना ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए, कि अगर जितना छोटा बच्चा होगा उसको हम उतनी जल्दी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, उनकी उसकी जो वीकनेसेस हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है हम उसको फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इस सारे प्रोसीजर में आपका रोल क्या है, आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? मैं स्पीच लिंगुअल सपोर्ट में वर्क कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं एज अ स्पेशल एजुकेशनिस्ट वर्क कर रही हूँ चाइल्ड्स के, डिफरेंट चिल्ड्रन की एकेडमिक स्किल्स के ऊपर। सो मैं उनकी प्री लर्निंग स्किल्स जो होती है ना उन पे वर्क कर रही हूँ, हाउ टू होल्ड द पेंसिल, हाउ टू ग्रिप इट, और कैसे हमने लर्न करना है, मेमोराइज करना है, मेमोरी बूस्टअप कैसे करनी है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम यूज़ करते हैं जो उनके माइंड को शार्प करें, उनकी मेमोरी को एक्सपेंड करते हैं, लाइक उन चीज़ों को अडेप्ट करें और उसको मेमोराइज करें अच्छे तरीके से और उस पर वेल परफॉर्म करें। क्या आप ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज और कौन सी थेरेपीज करवाती हैं, कुछ व्यूअर्स को भी गाइड करें जो घर में ही कोशिश कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि उनका जो माइंड है वो शार्प करने के लिए, ताकि वो जो पिक चीजें जल्दी करें और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकें? उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने उनका इंटरेस्ट फाइंड करना है कि चाइल्ड को इंटरेस्ट किस चीज में है, हमने उसकी स्ट्रेंथ पे ज्यादा वर्क करना होता है, बिकॉज हम स्ट्रेंथ को अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं, उस चीज पे वर्क कर सकते हैं,
बेटर वे. सो हम उनके इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, समटाइम चाइल्ड लाइक करते हैं बच्चे खेलना कि वो प्ले एक्टिविटी के थ्रू लर्न करते हैं. और कुछ होते हैं जिनको सिंगिंग का बहुत म्यूजिक लाइक करते हैं, सो हम राइम्स सिंग करेंगे, राइम्स के थ्रू उनको उनका अट्रैक्शन लेनी है हमने, अटेंशन लेनी है हमने, वो एक्टिविटीज़ करवानी है जो ज़्यादा अट्रैक्टिव हों. सो हम प्ले एक्टिविटीज़ रखते हैं, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, उनको इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड करेंगे एक प्रॉपर. समटाइम्स बच्चे कलर से डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, हाइपर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर हमें रूम सैनिटाइज करना पड़ता है लाइक विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. और कुछ चाइल्ड होते हैं जिनको रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है, सो हम उनके लिए फिर रीइंफोर्सर्स स्पेशली रखते हैं रूम में लाइक टॉयज, म्यूजिक, समथिंग. तो ये सब चीज़ देख के उनको पहले हम असेस करते हैं, फिर उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है. मुझे ऐसा लगता है कि हर दूसरे घर में एक बच्चा ऐसा होता है जो जिसे अफलातून कहा जाता है, इसकी तकरीबन हरकत ऐसे ही होती हैं, तो कुछ डिफरेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं. तो क्या वो भी इसी चीज़ में आ जाते हैं बच्चे कि उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, पेरेंट्स को चाहिए कि उनके एक एक चीज़ पे नज़र रखें, या नॉर्मली ऐसे बच्चे होते हैं? ये समटाइम होता है कुछ चाइल्ड होते हैं जो अटेंशन सीकर होते हैं, अगर उनका ये बिहेवियर है सो वो किसी अटेंशन की वजह से हो सकता है, ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन, लाइक पेरेंट्स बिजी हैं, वो जॉब कर रहे हैं, बच्चे को अटेंशन मिल रहे, सो उसमें ये चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं. तो उसके लिए ये, और अगर वैसे ही वो हाइपर एक्टिव है तो उसके एक्टिव हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए उसको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए जो फिज़िकल हो, जिसमें उसकी एनर्जी वेस्ट हो, एनर्जी लूज हो, ताकि वो खुद को रिलैक्स फील करे. क्या करवाना चाहिए जो लाइक घर में देख रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आपकी बातों से मुस्तफीद होना, आपके तजर्बे से कुछ सीखना चाह रहे हैं और नहीं अफोर्ड कर पाते कि किसी एक्सपर्ट तक पहुँचे, तो वो घर में अगर कुछ करना चाहते हैं तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? इसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है वेट लिफ्टिंग. सो हम आउटडोर जी बिल्कुल आउटडोर में कर सकते हैं, छोटे छोटे वेट्स रख लें और उनको वो दे के इन अ फॉर्म ऑफ रेस कि वो उसको कैरी करें और रेस करें, रनिंग करें वहाँ पर, या डिफरेंट हम टायर्स यूज कर लेते हैं, टायर ऑफ ट्रक और बस वो रख के और उसको वेट दे के उसके अंदर उसने स्टेप बाय स्टेप जंप करना है. जंपिंग हो रही है तो उसमें भी एनर्जी वेस्ट हो रही है. फिर सिट स्टैंड जो एक बेसिक कॉमन बहुत एक कॉमन चीज़ है, सिट स्टैंड के फॉर्म में हम प्ले एक्टिविटीज कर रहे हैं लेकिन उनमें उसकी एनर्जी यूज हो रही है, तो एनर्जी जितनी यूटिलाइज होगी वो चाइल्ड उतना ही रिलैक्स फील करेगा. तो आपकी एजुकेशन क्या रही है जो आप पढ़ के यहाँ तक पहुँची हैं और आप दूसरे बच्चों को जो है वो एजुकेट कर रही हैं? जी, मैं एम एस इन स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है और मैं आगे फर्दर एम एस इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी कर रही हूँ. सर, क्या इसमें कोई मेडिकेशन भी यूज़ होती है, कोई मेडिसिंस भी दी जाती हैं, ऐसे थेरेपीज करवा के बच्चों को? हाँ बिल्कुल, इसमें अगर हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और वो फिज़िकल एक्टिविटी से भी स्लो डाउन नहीं हो रहा, उस पर वर्क नहीं हो रहा, समटाइम बहुत कुछ बच्चे होते हैं जिनके इश्यूज बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस फॉर्म में फिर हम उनको मेडिसिन सजेस्ट करते हैं. और क्या क्या आप पेरेंट्स को किस एज से ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि अच्छा हमारा बच्चा जो है थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रहा है, उनकी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है, नहीं तवज्जो दी जाती, तो किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए? हाँ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो न्यू बॉर्न असेसमेंट ही होती है, तभी से ये डिटेक्ट किया जा सकता है. न्यू बॉर्न से कैसे उसको उसमें हम डिफरेंट टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं, लाइक हम सम साउंड्स उनके ईयर के पास जाके साउंड्स देते हैं और फिर ये चेक करते हैं, लाइक रेटल्स होते हैं उस पर हम साउंड देंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, लाइटनिंग ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, उसको आप थ्रो करें और ये देखना होता है कि चाइल्ड उस पर रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं. अगर हम लेफ्ट ईयर में या राइट ईयर में दे रहे हैं तो देखना है कि क्या वो अपनी नेक को मूव करके उस तरफ रिस्पॉन्स दे रहा है. समटाइम बेबी उसका क्राइंग बिहेवियर आ जाता है, बेबी रोना स्टार्ट कर देता है, दैट्स मीन उसने वो साउंड सुना है और उसने उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया है. तो ये इस तरह से हम इसकी स्क्रीनिंग करते हैं प्रॉपर. और उसके अलावा 2-3 ईयर्स के अंदर स्लाइटली सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक अगर कोई चाइल्ड ऑटिस्टिक है तो वो अपवर्ड देखना स्टार्ट कर देगा, बहुत ज्यादा ऊपर देखना, और फिर उसको जो चीजें मूव करती है गोल घूमेंगी वो बहुत अट्रैक्ट करेंगी और वो खुद भी इवन सर्कल की फॉर्म में मूव करना स्टार्ट कर देंगे. सो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिनसे हम ये चीज देख सकते हैं कि ये इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं. और मेन थिंग इज नेम रिस्पॉन्स. नेम रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, उनको हम कॉल कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं तो वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे. तो ये एक बहुत
मेजर सिम्टम है जिससे हम GHS देख सकते हैं कि कोई इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, डिटेक्ट तो हो गया, लेकिन इसको कैसे वहीं से पकड़ के कैसे इसकी एहतियात कैसे कर सकते हैं? एहतियात तो नहीं होगी क्योंकि एक चीज जब डायग्नोज हो गई है तो वो अपने तौर पे इसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या थेरेपी दे सकते हैं, या लाजमी है कि इसको किसी एक्सपर्ट के पास ही लेके जाना है? फर्स्ट थिंग ये कि इसकी स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो कर देना चाहिए। इसकी एक मेजर रीज़न जो है वो स्क्रीन टाइम है। पेरेंट्स क्योंकि बिजी हैं, आजकल सभी बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, और वो उनको जो स्क्रीन टाइम मिलता है, आप ऑल ऑफ द डे चाइल्ड बैठा है सामने टीवी के और वो टीवी देखे जा रहा है कंसेक्टिवली, या सेलफोन यूज़ कर रहे हैं और सेलफोन लेके उसको फेस पे करके देख रहे हैं, तो ये चीज़ उनके सबसे बेसिक रीज़न यही है। सो और इसकी एक जो अर्ली रीज़न है वो ये हो सकती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, प्रेशर है, डिप्रेशन है, एनीथिंग, और इवन वो कोई ड्रग्स लाइक कोई भी मेडिसिन हैवी डोज यूज कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो भी डायरेक्टली इफेक्ट करती है फीटस के ऊपर, यानी बेबी पे, और जब उसकी बर्थ होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये इश्यूज रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने उन चीज़ों से अवॉइड करना है जो पेरेंट्स को, इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि अगर वो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहते हैं तो वो उनको सबसे पहले तो ये एक्सेसिव ड्रग्स से ये नहीं करना चाहिए, खुद को रिलैक्स रखना चाहिए, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होना चाहिए क्योंकि जितना रिलैक्सिंग होगा आप उतना फ्रेश फील करेंगे और बेबी की ग्रोथ उतनी ही हेल्दी होगी। और आफ्टर बर्थ भी के फर्स्ट स्क्रीनिंग बहुत कंपल्सरी है, स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि आप अर्ली डिटेक्ट कर सकें कि कहीं पर कोई इश्यूज तो नहीं है, और उसके बाद अब उनको अगर कोई इश्यू आ जाता है तो सबसे पहले तो उसकी स्क्रीनिंग ख़त्म करें, स्क्रीन टाइम बिल्कुल ना दें, उसको ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में बिजी रखें, डिफरेंट एक्टिविटीज दें, और उसके अलावा उनको बिल्कुल जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाना चाहिए और उनसे रेकमेंड करवाना चाहिए कि उनके लिए क्या चीज ज्यादा बेस्ट है। कुछ खाने में भी एहतियात करनी चाहिए कि किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो ज्यादा मसला ना हो जाए। हाँ, खाने में ये होता है कि जो मोस्टली जो हाइपर चाइल्ड होते हैं उनके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि वो शुगर फ्री थिंग्स यूज़ करें, क्योंकि जिन चीज़ों में शुगर है, शुगर बेसिकली आपको हाइपर करती है, हाइपर एक्टिविटी में बहुत वो उसका एक रोल है। सो हम जो भी उनको खाना देंगे उस सब में ये कोशिश करते हैं कि वो शुगर फ्री ही हो, और जंक फूड, फास्ट फूड, इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। और कंसेक्टिवली एक ही चीज़ नहीं, लाइक ये इन बच्चों में फिक्सेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो फिक्सेटेड हो जाता है किसी भी एक चीज़ के साथ, इवन खाने में, बैठने में, पहनने में, उनको एक तरह के शूज़ चाहिए, एक ही तरह का ड्रेस चाहिए, उन्हें एक ही खाना डेली चाहिए, उन्हें ब्रेड चाहिए तो डेली बेसिस पे ब्रेड ही चाहिए। सो ये फिक्सेशन को भी ब्रेक डाउन करना चाहिए। लेकिन शुगर सिर्फ वो हम और इसमें भी बाकी चीजों में भी तो शुगर होती है, वो ही ना चीजें, हाँ, लाइक चॉकलेट्स नहीं खाने, बिस्किट्स नहीं खाने हैं, और इस टाइप की जितनी भी चीजें ना उनमें हम शुगर को अवॉइड करते हैं, शुगर ब्रेड, चावल, उसमें भी तो बिल्कुल वो ले सकते हैं, वो भी अवॉइड, वो ले सकते हैं ना, लेकिन कंसेक्टिव फॉर्म में नहीं, लाइक मैंने भी बोला कि हम कंसेक्टिवली एक ही लंच नहीं यूज कर सकते, उसको डेली बेस पर चेंज करना है हमें, तो बस इसमें यही आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी व्यूअर्स। यकीनन बहुत ज़्यादा फिजा ने हमसे इंफॉर्मेटिव बातें जो हैं वो शेयर की। आपको भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, अगर अल्लाह ताला आपको इस खुशी से नवाज रहा है तो आपको भी चाहिए कि थोड़ा सा वक्त अपने लिए और अपने अपनी नस्ल के लिए रखें, क्योंकि आपकी नस्ल चल रही है, और अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, अल्लाह ताला सबको अपने हिज्ज़ो ईमान में रखे। इसके साथ ही रोज़मली को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अल्लाह हाफिज़।